क्या वे प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती है? क्या मुझे वे प्रोटीन लेना चाहिए? क्या इसका सही तरीका है? क्या ये नेचुरल है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मेरे पास आते हैं, चाहे वो लेमन पॉपुलेशन से हो, चाहे वो ट्रेनर से हो, चाहे अच्छे डाइटिशियन से हो। सो वंस एंड फॉर ऑल आई थॉट क्यों ना इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो स्वागत है आपका CFA की पाठशाला में। मैं हूं चिराग सेठी और आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। क्या होता है वे प्रोटीन? क्या ये आर्टिफिशियल है? जी नहीं। अगर हम बात करते हैं एक ग्लास 100 ml का, अगर हम मान लेते हैं दूध का, काउज मिल्क का, तो उसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, केसीन और वे। 80% जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है केसीन और 20% जो पाया जाता है वो होता है वे। निकलता किससे है? ये निकलता है दूध से। कई सालों तक इसके साथ की जो स्टोरी है वो क्या बोलती है कि कई सालों तक जब दूध को फर्मेंट किया जाता था तो वहां से केसीन प्रोटीन निकाल दिया जाता था, कुछ इस तरीके से। अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। आपके घर में भी जब पनीर बनता है तो कुछ इसी तरह का प्रिपरेशन होता है। ये जो वाइट आपको सारा दिख रहा है, ये जो पनीर का फॉर्म है, ये रिच होता है केसीन के अंदर। और ये जो पीला 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 आपको सारा दिख रहा है ना, जो सारा पीला पीला वाटर है, ये होता है वे प्रोटीन। ये दो तरह के प्रोटीन है जो बेसिकली ही डिफरेंशिएट हो जाते हैं। केसीन जो है वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, थोड़ा वाइटेस्ट जो आपको दिख रहा है ये सारा केसीन है। और ये जो पानी सारा बच गया है ये कहलाता है वे प्रोटीन। कई सालों तक हिंदुस्तान में हम, इंडिया में हम पनीर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ये चीज का फॉर्म है। बाहर के देशों में क्या होता है, इस चीज को, इस पनीर को और प्रोसेस किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, ईस्ट ऐड किया जाता है, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे हम चीज बोलते हैं, उसके डिफरेंट वैरायटीज निकाली गई, उसके डिफरेंट टाइप्स निकाले गए, बट है वो सारा पनीर का ही आगे का प्रोसेस। और जो पानी बच जाता था, कई सालों तक इसे कंपनी जब बनाती थी तो उसे फेंक देती थी। उन्हें लगता था ये किसी काम का नहीं है, ये कोई भी अच्छी चीज नहीं करने वाला। फिर लोगों को समझ आया कि ये जो पानी है इसमें भी प्रोटीन कंटेंट होता है। इसको वापस से फिल्टर आउट किया गया, उस प्रोटीन कंटेंट को वहां से निकाला गया। अब आप बोलेंगे अगर इतना ही है तो उस पानी को मैं पी लेता हूं, पर उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि हर एक लीटर दूध की जब मैं बात करता हूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम वे प्रोटीन मुझे मिलता है। तो मान के चलिए कि आपको अगर 30 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है तो आपको घर पे जो दूध लेना पड़ेगा वो लगभग 5 लीटर के आसपास होगा, तब कहीं जाके आपको 30 ग्राम प्रोटीन जो है वो मिलने वाला है। अब ये बात ठीक है, प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है। आज मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है, मसल रिपेयर है, रिकवरी है, ये सारी चीजें। बट क्या वे प्रोटीन मेरे लिए बुरा है? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। ये वे प्रोटीन जो है ये माँ के दूध में भी मिलता है, आप चेक कर सकते हैं, मैं स्टडीज के लिंक नीचे डाल दूंगा। ये जो वे प्रोटीन है ये तुम्हारे बच्चों के फूड प्रोडक्ट्स जो है उसमें भी यूज होता है मिल्क प्रोटीन, चाहे वो सेरेलैक है, चाहे वो नैनप्रो है, बॉर्नवीटा कॉम्प्लान। एक ग्लास दूध के साथ जब 2 चम्मच बॉर्नवीटा डलता है तो उसके अंदर आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और वो बोल के बेचते हैं कि इसमें 14 ग्राम प्रोटीन है, बट फिर भी नोबडी बैट्स एन आई। तो ये प्रोटीन जो है हमारी ग्रोथ का एक पार्ट रहा है। और किसी भी तरह का किडनी डैमेज या किसी भी तरह का लिवर डैमेज एक हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं देखा गया जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। ये सिर्फ एक फूड का एक रिप्लेसमेंट है कि जब हम नेचुरल तरीके से, जब हम फूड के थ्रू अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं तो वहां पर वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स जरूर आते हैं। तो यहां मेरे 10 सेंस यही है कि आप अपने प्रोटीन इंटेक को पहले हमेशा फूड से पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो उस सिचुएशन में आप एक अच्छा वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि आपको कोई भी नुकसान नहीं देने वाला है।